आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो फरिश्तों के हालात से मुतालिक है कि अल हबाइक फी अखबार अल मलाइक, इसमें आज हम बात करेंगे रात और बर्क अलैहिस्सलाम की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुर रअद नाजिल फरमाई जिसमें ये आया मुबारक है कि वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और रात फरिश्ता उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करता है और दूसरे फरिश्ते भी उसके खौफ से उसकी हम्द उसकी तस्बीह बयान करते हैं। अच्छा, अब रात अलैहिस्सलाम के अहवाल से मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हमें बतलाइए ये रात क्या है। अखबिरना मा हादर रअद, काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलकुन फी मलाइकतिल्लाहि मुवक्कलुन बिस्सिहाब, के ये अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जो बादलों का निगरान है, इसके हाथ में आग का कोड़ा है, बियदिही मिखराकुम मिनन मिन नारिन, इसके हाथ में आग का कोड़ा है जिससे बादलों को तंबीह करता है और जहां का अल्लाह हुक्म फरमाता है वहीं ले जाता है। उन्होंने कहा, तो ये आवाज़ क्या है जो हम सुनते हैं। कालू फमा हाद सऊतुल्लदी नस्मायू, ये आवाज़ क्या है जो हम सुनते हैं। काला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सऊतुहु कालू सदक्ता, तो आपने फरमाया कि ये उस फरिश्ते की आवाज़ है। उन्होंने कहा, आपने सच फरमाया। इस रिवायत को इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इमाम नसाई ने, इब्न मुंजर ने, इब्न अबी हातिम ने, कई कुतुब जो है वो हदीस में आती है, फिर कुतुब तफसीर में भी आती है, इमाम सुयूती दुर्र मंसूर में भी लाते हैं, फिर और मुख्तलिफ और कुतुब में आती है। बहरहाल एक और हदीस जो है इससे इसी मुतालिक, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि राद फरिश्ते का नाम है और बर्क इस फरिश्ते का बादल को लोहे के कोड़े से मारना है। इस रिवायत को किताब अल-मतर इब्न अबी दुनिया ने, फिर इसके अलावा इब्न जरीर ने, इब्न मुंजर ने, फिर इमाम बेहकी सुनुल कुबरा में, अगेन कई कुतुब हदीस में ये रिवायत आती है। अच्छा, इस रिवायत में आग का कोड़ा जो बताया गया है और फिर इसमें एक में है लोहे का, तो इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसकी तदबीक की सूरत यह होगी कि कोड़ा तो लोहे का होगा लेकिन गर्मी की शिद्दत से आग मालूम होता होगा। और देखें, हर चीज़ ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी आँखों पर जाहिर हो। अब साइंसदान कहते हैं ना कि हम ऊपर गए और ये जो हवाएं चलती हैं इससे फिर बादल जमा होते हैं। अच्छा, ये साइंस आपको ये भी बताती है कि बादल भी कई किस्म के होते हैं, हर किस्म का बादल बारिश बरसाता नहीं है, बादलों में भी फिर कई किस्में होती हैं। उस पर फिर इंशाअल्लाह ताला कभी बात करेंगे, अभी वो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जाके ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से बादल बारिश बरसाते हैं और कौन से बादल बारिश नहीं बरसाते। तो उन तमाम इकसाम में एक किस्म होती है बादलों की जो बारिश बरसाती है, और फिर उसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जो मामले हों वो हमारी आँखों के ऊपर भी आया हो। देखें ना, एक होती है जाहिर की दुनिया, एक होती है बातिन की दुनिया, एक होती है मल्टी डायमेंशनल दुनिया, कि उसमें से एक डायमेंशन तो हमारी आंखों पर जाहिर है और एक डायमेंशन हमारी आंखों पर जाहिर नहीं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ हमारी आंखों में जाहिर हो। अच्छा, इसी तरह बाज़ चीज़ें जो हैं हम आलात की मदद से देख पाते हैं, बाज़ चीज़ें हम आलात की मदद से भी
नहीं देख पाते। इसी तरह रेडियो एक्टिव वेव्स के जरिए बाज़ चीज़ों को हम देख पाते हैं। एनी वे द बॉटम लाइन इज के हर चीज़ साइंस ही के थ्रू साबित हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, साइंस की भी एक हद है। अच्छा खैर बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रायद वो फरिश्ता है जो बादल को तस्बीह से चलाता है, जिस तरह ऊँटों को गा कर यानी हंकाने वाला उसे हंकाता है। इसे इबन मुंजर ने रिवायत किया, फिर अबू शेख ने, फिर तफसीर इबन जरीर में भी आती है, फिर इमाम सुयूती दुर्रे मंसूर में भी लाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास से मरवी है कि जब वो कड़क सुनते तो सुभानल्लज़ी सब्बहत लहू, पाक है वो ज़ात जिसके लिए तूने तस्बीह पढ़ी, ये पढ़ते सुभानल्लज़ी सब्बहत लहू, पाक है वो ज़ात जिसके लिए तूने तस्बीह पढ़ी, क्योंकि राज फरिश्ता जो है वो बादल को तस्बीह से चलाता है, इसलिए आप ये पढ़ते। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया कि राज वो फरिश्ता है जो बारिश को डांटता है जिस तरह चरवाहा अपनी बकरियों को डांटता है। तो इसे इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरत में रिवायत किया है और इब्ने दुनिया ने भी इसे रिवायत किया है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि राद फरिश्तों में से एक फरिश्ता है जिसका नाम भी राद है और ये वही है जिसकी तुम आवाज़ सुनते हो, और बर्क नूर का एक कोड़ा है जिससे फरिश्ता बादल को तंबीह करता है। इसे भी इब्ने जरीर ने रिवायत किया और इब्ने मुर्दुया ने। अच्छा हदीस आती है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रात के मुतालिक सवाल किया गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको बादल रानी सुपुर्द की है, बस जब अल्लाह ताला इरादा फरमाता है कि किसी बादल को किसी शहर की तरफ ले जाए तो इसे हुक्म फरमाता है और वो इसे चला कर वहाँ ले जाता है, और जब वो मुंतशिर होता है तो अपनी आवाज़ से भी तंबीह करता है यहाँ तक कि वो फिर मिल जाता है, जिस तरह के तुम में से कोई एक अपनी सवारी को जमा करता है। और इसे भी अबू शेख ने जमा किया है। अच्छा इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सुइला अन मनशा सहाबी फ़क़ाल, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बादल के अहवाल के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि इन्ना मलकन मुअक्कलन बिस्सहाबी यलुमुल खासियत व यलहमुर राबिया। तो आपने इरशाद फरमाया कि एक फरिश्ता बादल का निगरान है जो इसे पस्त घाटियों में भी ले जाता है और बुलंद टीलों में से भी गुजारता है। अच्छा फिर फरमाया कि फी यदिही मिखराकुन, उसके हाथ में एक कोड़ा है, फ़ाइदा रफ़ा बरिकत, जब उसे बुलंद करता है तो चमक पैदा होती है, वाइदा ज़जरा रअदत, और जब डांटता है तो गरजता है, वाइदा दरबा सायकत, और जब मारता है तो चीखता है। इसे इब्ने मुर्दुया ने रिवायत किया है। अच्छा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बर्क वो फरिश्ता है जो नज़र आ जाता है। इसे किताबुल मतर में इब्ने अबी दुनिया ने रिवायत किया है, फिर अबू शेख भी इसे रिवायत करते हैं, इमाम सुयूती दुर्रे मंसूर में रिवायत करते हैं। तो बहरहाल नज़र आने से मुराद ये है कि इसका असर और इसकी शक्ल आसमानी बिजली में नज़र आती है। बाज़ ने इसका ये कौल यूँ इसको डिफ़ाइन किया है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी तरह हज़रत काब फरमाते हैं कि आसमानी बिजली फरिश्ता बर्द अलैहिस्सलाम का ताली बजाना है, ये हज़रत काब का कौल है। इससे इसी से फिर ये रोशनी निकलती है जो आसमानी बिजली कहलाती है। वो कहते हैं अगर ये फरिश्ता बाशिंदगान ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए तो सबकी चीखें निकल जाए। इस कौल को इब्ने अबी हातिम ने और फिर अबू शेख ने जमा किया है। अच्छा इसी तरह हज़रत अमर बिन बुजाद अशारी फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्मु सहाबी इंदल्लाहिल अनानु वर्रअदु मलकुन यस्जिरु सहाबु वल्बर्कु तर्फुम मलिकुन युकालु लहू रूफील। अल्लाह के यहाँ बादल का नाम क्या है? इनान, इस्मु सहाबी इंदल्लाहिल अनान,
तो अल्लाह के यहाँ बादल का नाम है ऐनान, वरादु मलकुन यसजरु सहाब, और राद जो है वो फरिश्ता है जो बादल को तंबीह करता है, और वल बर्क तरफ मलिकिन, और बिजली एक फरिश्ते का एक किनारा है, युकालु लहु रूफील, और जिसका नाम रूफील है। तो जो बर्क वाला फरिश्ता है ना, बिजली वाला फरिश्ता, उसका नाम रूफील है, जिसके बारे में काब हजरत काब का जो कौल आया है कि वो भी एक फरिश्ता है। इसी तरह अच्छा, ये इबन मुर्दुइया ने फिर आगे दुर्रे मंसूर में इमाम सुयूती ने इसे रिवायत किया है। अच्छा, आखिरी बात आज के दर्स की पेश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर उस पर दर्स का इख्तिताम करेंगे। हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुँची है कि बर्क एक फरिश्ता है जिसके चार मुँह हैं, एक मुँह इंसान का, एक बैल का, एक गिद्ध का, एक शेर का, बस जब वो दुम हिलाता है तो इससे बिजली चमकती है। ये कौल है, इसे इब्ने अबी हातिम ने जमा किया है। तो बहरहाल यहाँ पर बाज़ जो है ताबईन के अक़वाल हैं, बाज़ उलमा के अक़वाल हैं, बुज़ुर्गाने दीन के, और फिर अहादीस नबविया हैं, सहाबा कराम के अक़वाल हैं। तो मुख्तलिफ अक़वाल को इमाम सुयूती ने यहाँ जमा किया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला ही हक जानता है, बेहतर जानता है। हमारी फ़हम, हमारा इदराक, हमारी सोच, हमारी समझ सब बड़ी लिमिटेड है। क्योंकि वो बड़ी लिमिटेड है इसलिए हम उतना ही बयान कर सकते हैं जितना हमारी अक्ल में आता है, उससे ज़्यादा हम बयान नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। कि कहीं यही होता है कि इंसान जब सिर्फ़ अपनी अक्ल पर ही रिलाय करता है, उसके अलावा किसी चीज़ को मानता नहीं, अपने मुशाहिदात पर, सेंसेस पर ही रिलाय करता है, तजुर्बात पर ही रिलाय करता है, उसके अलावा किसी चीज़ को मानता नहीं, जानता नहीं, तो फिर ठोकर खाता है। अल्लाह हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है और टेलीग्राम का चैनल भी बना हुआ है, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोज़ देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।